हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे खजूर रोल। बहुत ही आसानी से घर पे बहुत ही कम चीज़ों से हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही टेस्टी सी मिठाई और बहुत ही हेल्दी मिठाई। सिर्फ एक चम्मच घी में हम बनाएंगे ये टेस्टी से खजूर रोल, जिसके लिए हमने एक पैन में एक चम्मच देसी घी ले लिया है। इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले लीजिए जो भी आपको चाहिए। इसे हमें घी में हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसके बाद इसे हम मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे दरदरा सा। ये देखिए, इस तरीके से हमें ग्राइंड करना है। ये खजूर हमने लिए हैं, खजूर के हमने बीजे अलग कर लिए हैं चाकू की मदद से। अब उसी मिक्सी जार में हम ये खजूर को धीरे धीरे करके हल्का सा इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से उसी पैन में हम खजूर को घी में हल्का सा भून लेंगे। ये मिठाई बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी मिठाई है। आप इसे ज़रूर बनाइए इस त्योहारों में, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसे हमने एक थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट पाउडर बनाया था, ये भी इसमें हम डाल देंगे। इसमें हम डाल रहे हैं एक चम्मच खसखस, दो इसमें हमने इलायची को कूट के डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। अब इसे हम हाथों की मदद से मिला लेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से इसे मिलाएंगे। अब ये हल्का सा गर्म है, इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब इस तरीके से इसके हम रोल बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम रोल बनाएंगे। अब इस रोल को हमने 5 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दिया था। 5 मिनट बाद इसे हम निकाल के इस तरीके से कट करके ले लेंगे और ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बन करके तैयार हो जाएगी। आप इसे ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अपने बच्चों को आप खिलाइए, आप भी खाइए। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, बिना किसी घी तेल मिलावट की बहुत ही हेल्दी मिठाई हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। आप इसे ज़रूर बनाइए और बना के मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी। थैंक यू।